नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि थरन, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट्स फिर हाजिर है आपके पास एक नया वीडियो के साथ। क्या आपको विदेश नौकरी का योग है या नहीं? दोस्तों, आप जानते हो भारत से बहुत लोग विदेश जाते हैं अच्छा नौकरी का तलाश में, अच्छा पैसा कमाने का इरादे में, मगर रिजल्ट क्या है? कुछ लोग अच्छा नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाता है, मगर अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद बहुत लोग कामयाब नहीं होते हैं और बहुत स्ट्रगल भी करते हैं कई विदेश राज्यों में। घर पे वापस आने में भी उनको तकलीफ है, क्योंकि इधर उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब दिशा में चलता है। लोग सोचते हैं कैसे भी विदेश पहुंचने से तुरंत नौकरी मिल जाता है और बहुत पैसा कमा सकता है, मगर आप भी देखा होगा बहुत लोग वापस आ जाता है यूके से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मिडिल ईस्ट राज्यों से खाली हाथ। विदेश नौकरी हासिल करने में कुछ लोग सफल हो जाता है और बहुत लोग असफल। क्यों? जी हाँ, द मिस्टिक साइंस न्यूमरोलॉजी उत्तर दे सकता है। उत्तर बहुत आसान है, यानी उनका जन्म तिथि यानी न्यूमरोस्कोप में विदेश नौकरी का योग नहीं है, यानी उसका कुंडली में विदेश नौकरी का नंबर या सपोर्टिंग प्लैनेट नहीं होता है। दोस्तों, देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली किन किन के पास विदेश नौकरी का योग है करके। नंबर 6 यानी वीनस यानी शुक्र जन्म तिथि में अथवा न्यूमरोस्कोप में होगा तो उनको विदेश नौकरी का और विदेशी सेटलमेंट का अच्छा योगदान होता है। ये न्यूमरोस्कोप देखिए, इसी में नंबर 6 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 5% है। ये इशारा देता है उनको विदेश नौकरी और विदेश सेटलमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब अगर आपका बर्थ चार्ट में नंबर 6 एंड 5 होगा तो आपको विदेश में बहुत अच्छा नौकरी और अच्छी तरफ सेटल होने का योग है। अगर आपका चार्ट में खाली 6 शामिल है और 5 नहीं, तब भी आप विदेश सेटलमेंट के लिए फुली फिट गए, क्योंकि नंबर 6 यानी शुक्र ही विदेश सेटलमेंट का नंबर है। मगर आपका चार्ट में नंबर 5% है और 6 नहीं है, तो नंबर 5 6 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होने के कारण आपको 50% विदेश नौकरी का योगदान है। 5 और 6 दोनों आपका चार्ट में नहीं है तो विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना ही अच्छा होगा, क्योंकि उधर कामयाबी होने का चांस बहुत कम रहेगा। मगर 6 और 5 दोनों नहीं होने से भी नंबर 4% होने से आपको विदेश में सक्सेसफुल रहेगा 25%, यानी सक्सेसफुल सेटलमेंट का चांस 25% रहेगा। दोस्तों, फिर भी निराश होने का नहीं, और एक मौका है। अगर आपका स्पाउस का चार्ट में 6 या 6 और 5 शामिल होगा तो भी आप सक्सेस होते हैं विदेश सेटलमेंट। कुल मिला के अगर आपका और आपका स्पाउस का चार्ट में 5 और 6 और सिर्फ 6 होने से आपको विदेश में बहुत अच्छा सक्सेसफुल सेटलमेंट होगा। अगर आप दोनों का चार्ट में भी खाली 5% है और 6 एब्सेंट है, तब आपको 50% चांस है सक्सेसफुल सेटलमेंट के लिए, और खाली नंबर 4% होगा तो सक्सेस चांस होगा 25%। दोस्तों, मान लो आपका और आपका स्पाउस का चार्ट में भी ये नंबर्स नहीं है,
फिर भी आप विदेश जाना चाहता है तो ये मिसिंग नंबर के लिए सूटेबल रेमेडीज कर दीजिए। आपका काम जय श्री राम जी का कृपा से कल्याण हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होगा आपके पास। दोस्तों मैं एक वेल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। आपको कोई भी वास्तु और न्यूमरोलॉजिकल रिलेटेड इश्यू होगा तो मुझे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मैं अश्योर करता हूँ आपका सारे प्रॉब्लम्स को बहुत प्रोफेशनल तरीके से रिसोल्व कर सकता है, ये भी बहुत मिनिमल चार्ज। दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा सारे वीडियोस आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचा सके। दोस्तों आपको आपका कमेंट्स और डाउट्स मेरा कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए ताकि उसका सूटेबल जवाब और क्लैरिफिकेशन दे सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Keep in touch. Good luck. Take care and stay always as a winner.